जंस्कार कारगिल के विभिन्न विभागों में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं। इनमें पब्लिक वर्क ऑफ REW, जंस्कार डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म डिपार्टमेंट के नाम शामिल हैं। इन सब विभागों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। डिप्टी SP कारगिल लद्दाख ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, जी हाँ, जंस्कार पुलिस स्टेशन में 25 फरवरी को एक FIR लॉज हो गया है। FIR नंबर 1/2023 अंडर सेक्शन 295A 420 IPC। ये 25 फरवरी को FIR लॉज हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरस कंप्लेंट्स जो रिसीव हुए हैं हमें थ्रू वेरियस सोर्सेस एंड बहुत सारे इंडोर्स वगैरह आए हैं हमारे पास, चिट्ठियाँ आई थी उस बेस पे। एक्चुअली ये डेवलपमेंट काफ़ी पहले से चल रहा था, उसमें सबसे पहले तो एक कमेटी बनी हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उस कमेटी के रिपोर्ट्स भी जो है वो सबमिट हुए हैं। उस कमेटी ने 3-4 महीने काफ़ी कुछ इवॉल्यूट करने के बाद, उसमें काफ़ी मेंबर्स भी थे स्पॉट में जाके, उन्होंने एक कमेटी रिपोर्ट भी दिया था कि उन्होंने कहा था कि एक एजेंसी जो है वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। कमेटी ने ये रिपोर्ट भी सबमिट किया है कि इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल लैप्सेस भी हुए हैं जिसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन जारी रहनी चाहिए। उस बेसिस पे ये हमारा जो फाइनेंशियल क्राइम यूनिट है वो इंक्वायरी कर रहा था। तो ये सारा जो है सिलसिला काफ़ी टाइम से चल रहा था। तो इन सारे बेसिस पे एक FIR लॉज हुआ था जंस्कार पुलिस स्टेशन में, जो मैंने अभी आपको बताया अंडर सेक्शन वेरियस सेक्शंस ऑफ IPC। तो उस रिलेटेड जो है हम कारगिल पुलिस जो है वो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि पदुम में एक पहले जो है एंशंट खर हुआ करता था, पैलेस हुआ करता था। तो उस पैलेस को मैं थोड़ा बहुत उसमें स्ट्रक्चर बचा हुआ था, उसको थोड़ा सा डिमोलिशन होकर वहाँ एक नया स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें UT बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ UT अर्सवाल स्टेट से एक प्रोजेक्ट जारी था। इसको ये प्रोजेक्ट एक्चुअली टूरिज्म डिपार्टमेंट का था जिसको एग्जीक्यूट कर रहा था REW। तो इसमें 2-3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ UT भी इसमें कुछ कोडल फॉर्मेलिटीज़ को वायलेट किया गया है एक्चुअली, और रीटेंडरिंग हुई है, DPRs 2-3 बार बने हुए हैं, कुछ फाइनेंशियल लैप्सेस भी कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया था हुए हैं जो पाए गए। अभी हम इन्वेस्टिगेशन तो जारी है, हम देख रहे हैं कि किसका क्या रोल है इसमें। टूरिज्म डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव काउंसलर, जंस्कार अफेयर्स और REW कारगिल रूरल इंजीनियरिंग कारगिल जो इस प्रोजेक्ट को चला रही थी उसने उसमें लूपहोल्स हम सारे देख रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है, किसका कितना रोल है वो सारा जो है वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाएगा। सर जो केस हुआ है ये आपने बताया तकरीबन 2019-20, हाँ ये एक्चुअली प्रोसेस जो है वो काफ़ी पहले से 2016-17 से इसका प्रोसेस शुरू हो गया था, मतलब थ्रू वेरियस डेलीगेशंस जो है वो प्रोजेक्ट का जो इनिशियल स्टेज था, फिर कश्मीर से अप्रूवल वगैरह होकर आया है, उसके बाद फिर UT एडमिनिस्ट्रेशन, UT बनने के बाद फिर दोबारा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश की गई है डिपार्टमेंट ने। तो इसमें एक्चुअली चल रहा था लेकिन कंप्लेंट जो है वो 2021 से फिर आना शुरू हो गए थे। तो ये कंप्लेंट्स के बेसिस पे सारा जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी वगैरह चल रहा था। तो अभी फाइनल जो है वो अब उन्होंने जो है वो अपने रिकमेंडेशन दिए हुए हैं, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे ये FIR लॉज हुआ था। तो दूसरा ये है कि अभी हम तफ्तीश जारी कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स में, हम जाके जो है वो इस इंक्वायरी के रिलेटेड या जितने भी डॉक्यूमेंट्स इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास डिपार्टमेंट के पास, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ DPRs हों या बहुत सारे जितने भी कागज़ चले हैं वो सारे हम सीज़ कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, रूरल डेवलपमेंट के ऑफिस से, REW के ऑफिस से, टूरिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिस से, आज हम एग्जीक्यूटिव काउंसलर के वहाँ से भी हम पूछताछ करने आए थे। तो इस रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो आगे आपको बताया जाएगा कि किसका इतना रोल है। सर 2021-22 जैसे आपने बोला सर कंप्लेंट्स आपको आने लगे, तो अब जाके 2023 में जो है इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है, तो इससे आपको नहीं लगता सर कि कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी की जानिब से इलेक्शन भी नज़दीक है सर, इसका कोई स्टन या ऐसा कुछ? नहीं जी, इसमें एक्चुअली कंप्लेंट्स जो मिले थे 2021-22 में जो आ गए थे उसमें एक्चुअली आप किसी भी कंप्लेंट को लेके आप डायरेक्टली जाके FIR लॉज नहीं कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही थी, कमेटी ने अपना टाइम लगाया रिपोर्ट सबमिट करने में। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें ऐसा कुछ रोल है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो हमें करनी है कि किसी के बेस पे किसी के बहकावे में आके तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं या न करेंगे। तो सर आखिरी सवाल होगा सर, एक क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था सर, काफ़ी FIR लगते हैं सर, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ हो, डिपार्टमेंट के खिलाफ हो, रिसेंटली आपने लोगों ने देखा सर लैंड माफिया के खिलाफ भी काफ़ी FIR तो दर्ज होते हैं, बस उसका कोई आउटपुट हमें देखने को नहीं मिल रहा है सर लद्दाख पुलिस द्वारा।
जी हाँ, FIR एक्चुअली जो होता है इन्वेस्टिगेशन का पहला पार्ट है, FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन उसमें फिर जारी रहती है, खासकर ये फाइनेंशियल इश्यूज़ में लेके थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है इसमें, इसको जल्दी ही जो है वो चालान करने में मतलब इतना टाइम थोड़ा सा लग ही जाता है, क्योंकि आप देखेंगे ये FIR जांसकर पुलिस स्टेशन में लॉज हुआ है, फिर उसके बाद वहाँ पे स्पॉट में जाना है, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं, पेपर डॉक्यूमेंट कल सारे ये एक्चुअली ऑनरेबल कोर्ट को जवाब देना है, तो इसमें टाइम लगता ही लगता है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो फुल प्रूफ करने की हम कोशिश पूरी कोशिश करेंगे, लद्दाख पुलिस का पहला मोटिव है कि वो इन्वेस्टिगेशन फुल प्रूफ हो, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स हो जाए, हमें भी जवाब देना है कल ऑनरेबल कोर्ट के पास। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के बहकावे में या किसी और बेसिस पे हम ऐसा काम करते हैं। तो अभी का जो प्रेजेंट जो इशू है सर, जो केस आया है, उसका अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी जैसे कि आपने मतलब सुना कि अगले 2-3 दिनों से जब से FIR लॉज हो गया है, तो हम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें कोई भी इशू है वो सारे जो है डॉक्यूमेंट्स हम इसको सीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, सीज़ कर रहे हैं, पूछताछ जारी है बहुत सारे एजेंसीज़ के पास। इन एजेंसीज़ के पास हम गए थे, आपने देखा होगा कल परसों 3 दिन से, जब से तब से हम बैठे नहीं हैं, आज हम यहाँ पे आए थे कौंसल सेक्रेटरी में, एग्जीक्यूटिव काउंसलर के ऑफिस में भी। तो जितना हो सके हम इसको जो है वो इन्वेस्टिगेशन को फर्दर स्पीड अप करने की कोशिश करेंगे। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के टेढ़े हो जा रहे हैं, इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल चलो, स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।